खान सर शादी कब करेंगे मतलब उम्र हो चुकी है ठीक ठाक आपकी अस्टारडम के बाद अब लोगों का बस यही होता है कि भाई शादी करो लाइफ सेट करो कब कर रहे हैं खान सर खान सर द कपिल शर्मा शो में जाते हैं कपिल शर्मा से मिलते हैं केबीसी में जाते हैं अमिताभ बच्चन से मिलते हैं दोनों लोगों में किसका व्यक्तित्व आपको ज्यादा प्रभावशाली लगा देखिए दोनों लोग बहुत अच्छे व्यक्तित्व के हैं एक कॉमेडी के हैं तो एक फिल्म जगत के हैं दोनों का व्यक्तित्व बहुत बेहतरीन लगा और कपिल शर्मा क्या है कि वहाँ पे वो ऐसे लोगों को लगता होगा कि बड़ा स्क्रिप्ट तैयार करके आते होंगे ये नहीं नहीं एकदम आते हैं उनके ना दिमाग में ही भरा हुआ है हंसी मजाक एकदम हंसी मजाक करते रहते हैं एक आदमी उनसे कहा कि मैंने अपना वज़न ना तीस की रिकॉम किया है अब हमारे ही ग्रुप में थे किसी ने कहा तो उन्होंने क्या कहा कि एक तो तुमने अपने तो एक आदमी बाहर कर दिया है मतलब <laughs> तो तो एक्सटेम्पोर एकदम वो हंसी मजाक करते रहते हैं और अमिताभ बच्चन साहब की क्या बात करेंगे वहाँ पर जब हम लोग बैठे हुए थे तो उस उस एज में आके इतना काम के प्रति समर्पण उतना काम हम लोग से नहीं हो पाएगा एकदम डूब गए थे उसमें पूछने में यहाँ पे और जब हम लोग कन कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पे बैठे थे तो डबल वो रहता है एक तो प्रेशर जैसे ना एक सामने वाले तो एक अमिताभ बच्चन साहब है सामने सामने कौन बैठा है एक इसका वो हो जाता है इतने सीनियर किसी भी मामले में चाहे एज में देखिए व्यक्तित्व में देखिए चाहे जिसमें भी देखिए आप ऐसा नहीं कह सकते किसी मामले में वो कम है दूसरा कौन बनेगा करोड़पति का एक अलग प्रेशर और हम लोग गांव देहात का आदमी उतना चकाचौंध वाला स्टूडियो देख लेता है लाइट उठता तो है अली अजीब कन्फ्यूजन हो जाता है तो दोनों का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है अमिताभ बच्चन साहब को आप देखिएगा ना तो आप कहिएगा वो उतनी स्टेज शो में आके कहें हम आप सब लोग को नमस्ते करते हैं प्रणाम करते हैं हम लोग देख के एकदम वो हो गए उनकी आज उनकी एज के आगे हम लोग उनके बच्चों से छोटे हैं तो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और एक चीज़ लगा कि जितने ऊँचे लोग जाएंगे ना वो बहुत सालीन मिलेंगे आई जो जो नहीं हम लोग जो अगल बगल में देखते हैं लोग ना वो उसका टांग खींचो इसको करो उसको यही सब का लक्षण है जितने बड़े लोगों को देखेंगे बड़े शालीन मिलेंगे आपको और कौन बनेगा करोड़पति का तो एक अलग ही माहौल है खान सर शादी कब करेंगे मतलब उम्र हो चुकी है ठीक ठाक आपकी अस्टारडम के बाद अब लोगों का बस यही होता है कि भाई शादी करो लाइफ सेट करो कब कर रहे हैं खान सर अब ये घर वाले देखते हैं कैसा कब कब उन लोग की ये घर वालों को देखते हैं कि कैसे ले आते हैं वो लोग अब थोड़ा तो सा डर भी लग जाता है घर वाले पूछते तो होंगे ना अभी शादी करनी है कि रुकना है क्या करना है हाँ वो अब उन लोग का वो लोग हैं अपने सर्चिंग में लगे होंगे वो लोग यहाँ पे अब जैसा हो, हमको मतलब क्या है करने का मतलब ये घर वाले देखेंगे लोग थोड़ा तो सा हमको भी डर लगता है पता नहीं उस मैंटेलिटी का होगा यानी हम लोग को क्या है कि रात हम दो बजे तक वर्क करते रहते हैं और सुबह सात बजे आप हमको क्लास में देखेंगे इस चीज़ को बैलेंस करना बड़ा टफ हो जाता है वरना पता चला किसी का सपना है हम घूमने फिरे हमारा घूमे फिरे का क्या चीज़ होता है जब आप हम लोग की तो लाइफ ऐसी हो गई है कि कहीं जाते हैं आदमी तो चारों ओर से लोग सर कभी कोई वहीं पूछने लगेगा एक आदमी एयरपोर्ट पे पूछने सर ये सी सेट वाला ये थोड़ा बहुत मेरा छुटो छुड़वा दिया फ्लाइट अब हम किसी को मना भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं वरना लोग कहेंगे देखो इनको एटीट्यूड दिखा, दिखा रहे तो हम फ्लाइट छूट गया मेरा हम के ठीक है भैया अगली फ्लाइट से चले जाएंगे यहाँ कभी एक्चुअली मेरी भी गलती थी अब न एकदम नेक्स्ट टाइम टाइम पर ही गए थे हमको भी तो आधा घंटा पहले जाना चाहिए था यहाँ पे तो होता है अपना अपना लाइफ खान सर वो खान सर जी जिन्होंने सफलता की नई इबारत लिखी खान सर जिन्होंने ये साबित किया कि पढ़ाने का तरीका अगर आपका सहज और सरल हो तो लोग बिना भार महसूस किए रुचि लेके उसको पढ़ सकते हैं चीज़ों को समझ सकते हैं और पढ़ाई को इंटरटेनमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं खान सर जिन्होंने तरीका बदला लोग बदले और उसके साथ साथ विचार बदले खान सर जिन्होंने कई बार लड़कियों पर बेबाकी से बोला लेकिन उसके साथ साथ अपने क्लास में लड़कियों को ट्रोल भी किया क्या दिक्कत है सर बट सी बी एस स्पेशली सी बी एस ई बोर्ड वो आप ऐसे ही फनी वे में बोल देते हैं या फिर है कुछ अंदर से वैसा खीज जिसको निकालने की कोशिश ऐसा नहीं देखिए आपको मज, एक चीज़ समझना पड़ेगा अगर हम मजाक कर रहे हैं तो मजाक ही है आप अगर हमसे कोई मजाक में बात बोल दिए तो मजाक है तो ये हमें भी समझना पड़ेगा अब हम सी बी एस ई को बोलते क्योंकि हम सी बी एस ई बोर्ड में पढ़ते थे ना तो हम अकेले काला थे उस पूरे बोर्ड में सब सब गोरे गोरे तो मेरे दोस्त कहते थे भाई तुम ग्रुप में रहा करो पूरे ग्रुप को नजर नहीं लगेगी तुम ग्रुप के लिए एक टीका का काम करता है <laughs> तो वो ना एक बस एक मजाक चीज भी, भी है तो वो, वो मजाक में निकल बचपन में सबके साथ ऐसी चीजें होती है हम आपको मजाक में कुछ चीजें कहेंगे तो आप समझेंगे कि हमने उस चीज को मजाक में कहा है तो लोग को भी अच्छा लोग भी समझते हैं लड़कियों को हम क्या कहते हैं हम कहते हैं कि मेन चीजों पे फोकस करें यहां पर आप सवाल उठाएं उन चीजों पे जो ज्यादा जरूरत होती है जैसे आज महिलाओं के लिए बिहार में कितनी यूनिवर्सिटी है नहीं है महिला यूनिवर्सिटी हम कहते हैं कि आप मेन मुद्दों पे बात उठाओ कि महिलाओं के लिए महिला यूनिवर्सिटी होनी चाहिए यहाँ पर जहाँ पे पढ़े मेल पढ़ाएं मेल शिक्षक योग्यता पे जाना चाहिए मेल फीमेल पे नहीं लेकिन पढ़ने वाली लड़कियाँ होनी चाहिए क्योंकि समाज में अभी मानसिकता क्या है ना लड़की को हम भेजेंगे पढ़ने के लिए बिगड़ जाएगी अरे घरवा में ना बिगड़ना रहेगा तो बिगड़ जाएगी ये मानसिकता से तो एटलीस्ट उन लोग की मानसिकता जब तक नहीं बदलेगा तब तक जो एकदम रूढ़िवादी मानसिकता के वो उस यूनिवर्सिटी में भेज दें जो ओपन विचार के हैं वो कॉमन उसमें भेजें तो हम यही बोलते हैं कि बाकी ये सब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें अब सबको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चलना चाहिए जैसा देश वैसा भेस और हम ये हमेशा कहेंगे कि हमारा मूल कर्तव्य भी है कि हम अपनी संस्कृति को बचा के रखें मॉडर्नाइजेशन अलग चीज़ है वेस्टर्नाइजेशन अलग चीज़ है महिलाओं को अंग्रेजों की चाल वेस्टर्न कल्चर की चाल वो अपना वेस्टर्न कल्चर थोपते हैं कह के कि ये मॉडर्न मॉडर्न है modern आप साड़ी में भी लग सकते हैं आगे बढ़ते रहिए भारत मॉडर्नाइजेशन की ओर ही रहा है तो ये ये चीजें अब देखिए क्या कहते हैं ना कि आप किसी चीज को भाव को समझिए मजाक को मजाक के तौर पर समझिए संदेश को संदेश के तौर पर